ये सारी जिंदगी इनिंग्स खेलते रहे और वो इनिंग्स कभी अगर फ्लॉप भी हो गए तो उसमें चांस होता है कि नेक्स्ट टाइम चलो अच्छा स्कोर कर लेंगे. लेकिन ये जो निकाह वाली इनिंग्स है जो आज से शुरू होने लगी है ये इनिंग्स, इसमें फ्लॉप होने का चांस नहीं है. तो ये इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये दो चार पांच मैंने बातें करनी है, वो सारी जितनी हमारी बच्चियाँ और हमारे भाई भाई जो है मेरी बात बहुत ज़्यादा कि लफ्जी माने क्या होते हैं निकाह के. निकाह के लफ्जी माने ये होते हैं कि जैसे बारिश होती है ना तो एक तेज़ बारिश होती है, तो तेज़ बारिश के बाद एक हल्की हल्की की फुहार पड़ती है जिसको अंग्रेजी में ड्रिजलिंग कहते हैं, ड्रिजलिंग. तो वो जो ड्रिजलिंग होती है ना वो ज़मीन के अंदर चली जाता है पानी, तेज़ बारिश अंदर जाता है, ड्रिजलिंग अंदर चली जाती है. वो जो हल्की हल्की बारिश हो के ड्रिजलिंग हो के ज़मीन और रसूलहू फकत फाज़ा फौज़न अज़ीमा सदकल्लाहु अज़ीम अन निकाह मिन सुन्नती फअन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी. तमाम गवाहों की मौजूदगी में और हक मेहर जो आपने लिखा है इसको वही ये आप जाने और ये जाने, हक मेहर बताना नहीं चाहिए इसलिए कि अगर ज़्यादा हो तो लोग उस पर नज़र लगा देते हैं, थोड़ा हो तो गला कर देना. इसलिए आपका इनसे मामला है बेहतरीन. लेकिन ये जो निकाह ये जो पैसे हैं ना जिसको कहते हैं ये निकाह के जो पैसे हैं ये वाले हक मेहर जो होता है ये बेटा सबसे पाकीज़ा रिस्क होता है. ये जितना भी हो ये चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख हो इसको अपने पास संभाल के रखो. और खामत अगर कोई कारोबार करे तो इस इन पैसों को उस कारोबार में शामिल करना, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत देगा. ये बड़े बरकत वाले पैसे होते हैं. इस निकाह में मैं लिखा है इसके एवज भाई साहब मैं इन सब गवाहों की मौजूदगी में आलिया को आपके निकाह में देता हूँ. आपने कबूल किया लोगों, वैसे तो एक ही दफ़ा में हो जाता है लेकिन फिर क्योंकि हमारे एक रस्म है वो कहते हैं तीन दफ़ा की किताब उसी निकाह से ही नहीं करा पाई ये तीन दफा करा देते हैं. अच्छा अली आलिया रियाज जो कि बेटी हैं मोहम्मद रियाज साहब की, इन सब गवाहों की मौजूदगी में इस हक मेहर के इवज जो आपका तय हुआ इसके इवज मैंने आलिया को आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल किया. बोला जितने लोग निकाह के ख्वाहिशमंद हैं उनको उनके जोड़ के रिश्ते अता फरमा. जो बच्चियां बगैर निकाह के बैठी हैं उनको इंतज़ार है, उनको उनके जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा. जो बच्चे बगैर निकाह के उनको जोड़ के रिश्ते अता फरमा. ऐ अल्लाह इस निकाह की ऐसी बरकतें अता फरमा इस घर में जहाँ जहाँ ये रहें उस घर में बरकतें आएँ. जो अल्लाह उनको औलाद नसीब फरमाए व नेक और साले औलाद नसीब फरमाए, ऐसी अल्लाह औलाद नसीब फरमा जिनसे इनको नफ़ा हो, इनको खैर वाला